हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ अपने ड्राइंग मटेरियल्स के बारे में रिलेटेड टू स्केचिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे पास मेरे ब्रशेस जिनका मैं यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए। ये है एक फ्लैट ब्रश, देख लो गाइस, इसकी ब्रिसल्स आगे से फ्लैट है और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड करता है ये। और ये है मेरे पास दूसरा ब्रश जिसकी आगे से ब्रिसल्स देखोगे तो राउंड है पूरी, और ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प करता है। और ये है मेरे पास दूसरा फ्लैट ब्रश जिसका मैं यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग चारकोल। तो ये कुछ तीन ब्रशेज़ हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए। और ये है मेरे पास ब्लेंडिंग स्टम्प्स अलग अलग साइज़ के जिनका मैं यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए, जहाँ जहाँ मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ ब्रशेस को, जैसे कि आईज़ में और काफ़ी छोटे एरियाज़ में। और ये है एक बॉक्स कटर ब्लेड जिसका मैं यूज़ करता हूँ अपनी पेंसिल्स को एकदम अच्छे से शार्प करने के लिए लंबी लेड की। देख लो गाइस, ये कुछ ऐसा सा कटर है। अब मैं आपको अपने हाइलाइटिंग टूल्स दिखाता हूँ। तो ये है मेरा हाइलाइटिंग टूल, ये मेरे पास जेली रोल पेन्स है तीन अलग अलग साइजेस के, देख लो गाइस ये कुछ हैं। और ये है मेरे पास सकूरा के पेन्स, वाइट हैं ये, इनमें अलग अलग कलर्स भी आ जाते हैं। मैं इनकी निब दिखा देता हूँ आपको। तो ये सबसे पतला वाला है, इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता इन दोनों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं तो मेरी ड्राइंग गंदी हो भी चुकी है इनकी वजह से। और दूसरा वाला मैं दिखा देता हूँ, ये मोटा है थोड़ा सा। इन दोनों को हम लोग कस्टमाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इनमें अलग अलग कलर्स भी आते हैं। और ये है हम लोगों के पास जेली रोल्स, ये है 0.5 वाला, सबसे पतला होता है ये इन सारे जेली रोल पेन्स में। मैं आपको इसकी खोल के दिखा देता हूँ अभी निब। तो ये देख लो गाइस, काफ़ी पतली सी निब है जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये है 0.8 का जिसे हम लोग यूज़ करते हैं हाइलाइट्स के लिए। ये है थोड़ा मोटा है उससे, देख लो निब इसकी। और ये है 0.10 का जिसका मैं यूज़ करता हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करता मैं इनका बड़क, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी टिप है इसकी। तो यही कुछ है मेरे हाइलाइटिंग टूल्स। और ये है मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी ड्राइंग्स में। ये है 0.5 वाली टॉम्बो की, इसकी लेड शेक करने से भी बाहर आ जाती है, मैं अभी आपको करके दिखा दूँगा, और ऐसे भी बाहर आती है, काफ़ी अच्छी है। और ये है मेरे पास सकूरा की, ये मेरे पास 0.3 वाली सकूरा की, और ये है मेरे पास 0.5 की सकूरा की, देख लो गाइस आप इनको। और अब मैं दिखाता हूँ अपने हाइलाइटिंग टूल्स मतलब दूसरे इरेजर्स। तो ये टोमो मोनो जीरो इरेजर बहुत फेमस इरेजर है, सभी आर्टिस्ट के पास होता है और काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी अच्छे से ड्राइंग में यूज़ होता है हेयर्स बनाने के लिए, छोटे छोटे हाइलाइट्स देने के लिए, काफ़ी मेरे को यूज़फुल लगता है ये। और ये है मेरा इसकी रिफ़िल्स, तो देख सकते हो गाइस काफ़ी फाइन रिफ़िल और काफ़ी सेंसिटिव है, तो हमें इसे काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसको, और काफ़ी सेंसिटिव है तो टूटने का भी डर रहता है कभी कभी, तो देख लो गाइस। ये है मेरे पास टोम्बो का दूसरा इरेजर जिसका मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, इसका मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ जो छूट जाते हैं बॉर्डर्स एकदम, जो जब मैं ड्राइंग कंप्लीट कर लेता हूँ जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो मैं इरेज़ नहीं कर सकता बड़े इरेजर से, तो मैं वो इरेज करने के लिए इसे यूज़ करता हूँ, बहुत कम यूज़ होता है इसका तो। और ये है मेरे पास फैबर कैसल का इरेजर जिसका मैं ज़रा भी यूज़ नहीं करता गाइस, मेरे को एक ज़रा भी पसंद नहीं है। इसकी ब्रिसल्स का मैं यूज़ करता हूँ वो सारे डर्ट हटाने के लिए, बस देख सकते हो इसकी ब्रिसल, तो बस इसका इतना ही है काम। और ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक इरेजर जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ अपनी ड्राइंग्स में एकदम फाइन हाइलाइट्स के लिए, डार्क एरियाज़ में, और इसके अंदर सेल डलते हैं देख लो गाइस, तो हमें इसके सेल भी चेंज करने पड़ते हैं जब ये ख़त्म हो जाते हैं। और बस इतना ही है तो, और इसकी रिफ़िल्स भी होती हैं। और ये मेरे पास लाइका का नेडिबल इरेजर जो कि काफ़ी यूज़फुल है हाइलाइट्स के लिए, जैसे नोजेज नोज़ में, आइज़ के नीचे, लिप्स में हाइलाइट डालने होते हैं काफ़ी एरियाज़ में पोर्ट्रेट के, तो ये उस काम को काफ़ी आसान कर देता है। और ये है मेरे पास कुछ टोम्बो के इरेजर्स अलग अलग साइज़ के जिसका मैं यूज़ करता हूँ इरेजिंग के लिए। ये सबसे छोटा वाला, ये मीडियम साइज़ है, और ये है सबसे बड़ा साइज़ जिसका मैं यूज़ करता हूँ, देख लो गाइस इनको,
तो ये कुछ इरेजर्स हैं, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें लिखा भी हुआ प्लास्टिक इरेजर, टॉम्बो मोनो प्लास्टिक इरेजर, देख सकते हो आप गाइस। और तो कुछ नहीं गाइस, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने आगे के टूल्स। और ये है मेरे पास शार्पनर, जिसका मैं यूज़ करता हूँ अपनी पेंसिल शार्प करने के लिए, शेडलर का ही है। इसमें दो होल्स हैं जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, बड़ी और छोटी पेंसिल शार्प करने के लिए। बड़ी पेंसिल है तो इससे मैं बड़े होल से शार्प कर सकता हूँ आसानी से, फिर मैं ब्लेड से भी शार्प कर लेता हूँ इनको। चारकोल में जो यूज़ होती है, चारकोल में इससे शार्प नहीं करता क्योंकि वो ब्लेड ख़राब कर देती है उसमें। तो शार्पनर तो गाइस आपने देख ही लिया, अब मैं दिखाता हूँ अपनी मैकेनिकल पेंसिल्स की रिफ़िल्स आपको। तो ये हैं कुछ मैकेनिकल पेंसिल की रिफ़िल्स जिनका मैं यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स में। ये हैं HB की टॉम्बो वाली, मैं फोकस सेट कर देता हूँ गाइस, एक मिनट, फोकस नहीं हो रहा था। हाँ गाइस, तो अब ये टॉम्बो की HB 0.5 mm की, जिसका मैं वो ब्लैक पेंसिल में डालता हूँ। ये देख लो गाइस कुछ ऐसी सी, और मैं खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे करने पर निकल आती है लेड एक, तो आप इसे डाल सकते हैं मैकेनिकल पेंसिल में अपनी। और ये है मेरे पास पैंटल वाली, ये अभी सील पैक्ड है, मैंने अभी इसे खोला नहीं, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लो, ये मैं ब्लू वाली पेंसिल में डालता हूँ, काफ़ी अच्छे से ये डार्क एरियाज कर देती छोटे छोटे जगहों पे। अब ये सील है, देख लो गाइस, अभी निकलेगी भी नहीं है, ऐसे पीछे से दिखा देता हूँ। देखो इसकी सील अभी भी लगी हुई है। तो अब मैं आपको आगे दूसरी दिखाता हूँ। तो ये है मेरे पास शेडलर की 0.3 mm वाली HB की लेड, जिसका मैं यूज़ करता हूँ। और ये है मेरे पास HB की लेड सकूरा की 0.5 mm वाली, काफ़ी अच्छी है भी यूज़ करने में। तो देख लो गाइस, अब मैं दिखाऊंगा अपने वो वाले ड्राइंग मटेरियल्स लाइक पेंसिल्स, जो दूसरी पेंसिल्स हैं अपनी, वो दूसरी पेंसिल्स। तो ये वो पेंसिल्स है गाइस कुछ, जिनका मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं फोकस सेट कर लेता हूँ। तो देख लो गाइस, ये ऐसी कुछ हैं। ये है लाइका की कार्बन पेंसिल, जिनका मैं यूज़ करता हूँ एकदम डार्क एरियाज में। कॉन्टे पैरिस और ये लाइका की पेंसिल दोनों एक ही काम करती हैं। और ये लाइका की वाइट पेस्टल पेंसिल, जिनका मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छी चलती है ये। और ये है मेरी शेडलर की 12B, जो अभी टूट गई है, मैंने इसको शार्प नहीं किया था, अभी यूज़ नहीं था क्योंकि इसका। और ये टॉम्बो की 6B, काफ़ी ज़्यादा डार्क पेंसिल्स है गाइस ये। तो देख लो गाइस, ये कुछ पेंसिल्स है एक्स्ट्रा जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग्स में, आपने देखा भी होगा। इन सब पे गाइस मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, आपको अगर देखनी है तो मेरे को बता देना गाइस, बाय द वे बना तो मैं दूंगा ही। तो ये है मेरे पास पेंसिल्स, अब मैं चारकोल स्टार्ट कर रहा हूँ। ये है मेरे पास कैमलिन की चारकोल पेंसिल, हर एक आर्टिस्ट के पास होती है जो चारकोल वर्क करते हैं। देख लो गाइस, ये 3 grade में आती है, पर मेरे पास अभी सॉफ्टी है, मैं सॉफ्टी यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, हार्ड और मीडियम भी है, पर मैंने सॉफ्ट का पूरा पैक ही ऑर्डर कर लिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ये यूजेज में। तो देख लो गाइस, ये है पूरा पैक इसका, इसमें टोटल 10 पेंसिल्स होती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ वुडलेस चारकोल पेंसिल्स, देख सकते हो ये वुडलेस चारकोल पेंसिल्स हैं, इनमें वुड नहीं होती है, सिर्फ चारकोल ही चारकोल होता है। तो देख लो गाइस, ये कुछ 6 का सेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ उल्टा है तो। हाँ गाइस, ये देख लो, पूरा 6 का सेट है, ये देख सकते हो आप 6 पेंसिल्स है इसमें, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी है, एक मिनट फोकस में सेट कर लेता हूँ गाइस। हाँ, तो 3 हम लोगों के पास यहाँ पे सॉफ्ट हो जाती हैं, 2 मीडियम पेंसिल्स और एक हार्ड होती है, जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ड्राइंग्स में। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रेफाइट पेंसिल्स जो मेरे पास है सारी की सारी। तो ये है सबसे पास, मैं सबसे पहले गाइस मेरे पास है ये शेडलर वाली, सॉरी ये शेडलर वाली है 12 grade की, देख लो गाइस आप, फोकस एक मिनट, 4H से लेके 6B तक आती है, देख लो काफ़ी ज़्यादा ग्रेड्स है इसमें। 6B तो इसकी डार्केस्ट होती है इसमें, और इसके एक हाईएस्ट ग्रेड भी आया 12B जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये कुछ ऐसी हैं, ये इसका मैनुअल है, और ये देख लो ऐसी कुछ पेंसिल्स हैं ये सारी की सारी, देख सकते हो आप। और अब मैं दिखाता हूँ आपको पेंसिल्स दूसरी अपनी फैबर कैसल की। ये देखो गाइस, ये फैबर कैसल की है 12 grade की, 12 set की है ये, इसमें 4H से लेके 8B तक आती है पेंसिल्स। ये इसके सामने मैनुअल्स और गाइड्स और बाकी मटेरियल्स के बारे में जो होती हैं वो सब कुछ है। तो देख लो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में, अगर आपको एकदम सॉफ्ट रिजल्ट वाले बनाने हैं ड्राइंग्स तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो है।
तो देख लो गाइज़, ये कुछ ऐसी पेंसिल्स हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ, और अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये है मेरे पास टॉम्बो की पेंसिल्स, काफ़ी अच्छी हैं ये, काफ़ी डार्क हैं और काफ़ी अच्छे से यूज़ भी करते हैं, काफ़ी अच्छे से यूज़ भी होती है। इनका ग्रेफाइट काफ़ी सॉफ्ट है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग्स में। मैं आपको प्रेफर करूँगा एक बार इसको ट्राई करना। तो ये कुछ ऐसी सी हैं, बॉक्स आता है 12 ग्रेड्स की हैं ये, आई थिंक सो ये 6B तक ही आती है, 6B इसकी डार्केस्ट होती है एकदम ही। और इसके साथ एक इरेजर फ्री मिलता है हम लोगों को, टॉम्बो का प्लास्टिक इरेजर जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो देख लो गाइस, ये पूरा सेट है, देख लो गाइस। और मेरे पास टॉम्बो मोनो 100 भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये गाइस टॉम्बो मोनो 100 जो आप देख सकते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी ग्रेफाइट पेंसिल्स, काफ़ी अच्छी हैं अभी। और इन दोनों में गाइस कोई फ़र्क नहीं है, बस टॉम्बो मोनो 100 का रेट ज़्यादा है, उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। देख लो दोनों ही पैक से है, मैं टॉम्बो मोनो 100 खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इसको खोलते हैं तो दोनों का पैक ही सेम, पैकिंग सेम है। और जब हम इसको खोलते हैं तो पीछे आप इसके देख सकते हो एक गोल्डन कलर की राउंड सी लगी हुई है, तो एक गोल्डन कलर की डिवाइड करती है दो पार्ट्स को, जो ऊपर वाला पार्ट है वो राउंड है, नीचे वाला जो है वो हेक्सागन शेप में है। तो देख सकते हो गाइस इसमें वैसा नहीं है, तो इसलिए इसका रेट थोड़ा डिफरेंट है। टॉम्बो का रेट थोड़ा, टॉम्बो 100 का थोड़ा सा ज़्यादा है इससे। दोनों काम सेम ही करती है, दोनों का ग्रेफाइट सेम है। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, तो देख लो। और ये है मेरे पास वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल्स, जिनका मैं यूज़ करता हूँ लार्ज एरियाज़ में, जहाँ पे मैं इनका यूज़ नहीं करता ग्रेफाइट, नॉर्मल ग्रेफाइट में। इनके ग्रेड्स होते हैं 2B से लेके EE तक, EE एक ग्रेड होता है, मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया है, इसका भी रिव्यू करेंगे गाइस हम लोग एकदम अच्छे से। सभी टूल्स का मैं एक अच्छे से रिव्यू वीडियो बना दूंगा, देख लो गाइस। ये मेरे सारी ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं। और ये कुछ और ग्रेफाइट पेंसिल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है मार्श लोमोग्राफ, मैंने आपको दिखाई थी स्टेडलर की ब्लू वाली, मैं आपको फिर से खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये होती है ब्लू कलर में ग्रेफाइट पेंसिल्स, सॉरी ये गिर गई थी। और ये है मेरे पास नॉर्मल, ये चारकोल में, चारकोल टाइप वर्क नहीं करती ये, चारकोल ज़्यादा बेटर होती है डार्क एरियाज़ में काफ़ी अच्छे से, और ज़्यादा फैलती भी नहीं है हाथ लगने में। मैं इन दोनों का भी अच्छे से रिव्यू वीडियो बना दूंगा, देख लो गाइस ये दोनों पेंसिल्स हैं। और ये है मेरा ब्रश स्ट्रोक का फिक्सेटिव, जिससे मैं अपने आर्टवर्क्स को प्रिजर्व करता हूँ, शेक करने पे ये निकलता है बाहर, और ये फिर उसके बाद ये ब्रश स्ट्रोक है। चारकोल, ग्रेफाइट, पेस्टल्स, इन सब में यूज़ हो सकता है, ये कलर पेंसिल्स में भी। देख लो गाइस, ये कुछ ऐसा सा आर्टिस्ट फिक्सेटिव, मैं खोल के दिखा देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा सा है, ऐसे स्प्रे करने से बाहर आता है, शेक करना पड़ता है हमें पहले। देख लो गाइस, तो कैसा सा लगता है ये देख लो। अब मैं आपको अपने सारे ड्राइंग मटेरियल्स दिखा चुका हूँ, अब मैं अपने सारे दिखा देता हूँ। ये कुछ मेरे टूल्स हैं, ये सिर्फ मेरे शेडिंग मटेरियल्स हैं, ड्राइंग के मेरे पास भी और मटेरियल्स हैं, और आगे जब हम अपग्रेड करेंगे तो आपको दिखा देंगे। और थोड़ी मैं रेजोल्यूशन कम कर देता हूँ लाइट का। हाँ तो गाइस देख लो गाइस, अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा आपको, आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे ही दूंगा। तो ये सारे हैं, अगर आपको ये वीडियो गाइस पसंद आई हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस में। ये आपको, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी वीडियो और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंस्टा पे मेरे को फॉलो कर लेना, आईडी मैं नीचे लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, फेसबुक पे भी कर लेना। तो बस गाइस इतना ही इस वीडियो में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।